आज के वक्त में ज़्यादातर रॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क करे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के मदद से आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इस वीडियो के मदद से आप अपने रिलेशनशिप को कमज़ोर होने से बचा सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप में भी आपके और आपके प्यार के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, यानी आगे वाला इंसान आप पर बार बार बेवजह डाउट करता है या फिर आप खुद उन पर डाउट करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा कुछ नहीं होता, यानी आप हर बार बेवजह डाउट करते हैं या फिर आगे वाला इंसान बेवजह डाउट करता है, तो इस वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना ही चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक वर्क नहीं करेगा, वो रिलेशनशिप जल्दी ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अगली बात, आगे वाले इंसान को अनकंफर्टेबल फील मत करवाओ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हम यही गलती करते हैं, हम आगे वाले इंसान को जेलस फील कराने के चक्कर में, जेलस फील कराने के वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल करा देते हैं। हम बेवजह उसे जेलस फील कराने के लिए गर्ल्स के बारे में बात करते हैं, या फिर अगर आप एक लड़की हो तो बॉयज़ के बारे में बात करते हो, लेकिन इस वजह से आगे वाला इंसान काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है और आपका रिलेशनशिप इस वजह से कमज़ोर भी होता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि दूसरे लड़के लड़कियों की बात अपने रिलेशनशिप में मत करो। आप कोशिश करो कि आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए और आगे वाले इंसान को आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना है। अगर आप उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो तो वो भी इंसान आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए आप इस बात का अच्छे से ख्याल रखना। और अगली बात, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बने, तब आपको ये चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थिंक देन रिएक्ट, पहले सोचो फिर ही रिएक्ट करो। अगर आपका रिलेशनशिप पहले ही लॉन्ग डिस्टेंस है और आप उसमें भी बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हो ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी फाइट क्रिएट हो जाएगी और इसी छोटी फाइट के वजह से, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर, उस बात के ऊपर आपको अच्छे से सोचना है, फिर ही उस इंसान से उस बारे में बात करनी है। अगर आप बेवजह उन पे डाउट कर रहे हो, बेवजह उन्हें दूसरे दोस्तों से बात करने से रोक रहे हो ना, तो इस वजह से आगे वाला इंसान अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसे लगेगा कि आप उनकी फ्रीडम ले रहे हो। इसलिए आप कोशिश करो कि जब भी उन्हें कुछ बोलो तो वही बातें बोलो जो बातें उनके लिए अच्छी हैं। अगर आप बेवजह बिना सोचे समझे उन पर डाउट कर रहे हो या फिर उन्हें गलत कह रहे हो, तो इस वजह से ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा और आगे वाला इंसान आपको लेकर अनकंफर्टेबल फील करेगा और इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप पूरा ध्यान रखो कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो जो भी बातें मैंने बताई है उन बातों को अच्छे से समझो, ताकि आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।